बिसम अल्लाम मैं हूं मुर्तजा डार आज की स्टोरी में जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से बात है रॉ और आई के हवाले से हम बात करेंगे ये दोनों ऐसी फोर्सेस हैं जो हमेशा हालत जंग में है इसको अगर फोर्स का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा वैसे इसके बरक्स जो हमारी कन्वेंशनल आर्मीज़ हैं दोनों की या किसी भी मुल्क की जो आर्मी है वो हर वक्त हालत जंग में नहीं रहती वो तब हालत जंग में आती है जब बिल्कुल आमने सामने हो और एक फ़िज़िकल वॉर जारी हो जो हमारी एजेंसीज़ या किसी भी मुल्क की एजेंसीज़ हैं और स्पेसिफ़िकली अगर इन खास दो मुल्कों की पाकिस्तान और भारत की बात करें तो दे आर ऑलवेज़ इन अ कॉन्टिन्यूस वॉर एक हमेशा जंग का सिलसिला है जो जारी रहता है इंटेलिजेंस गैदरिंग का है इंटेलिजेंस शेयरिंग का है और बहुत सारे मुमकिन खतरा को टाले जाने का नाम है इंटेलिजेंस वॉर बहरहाल आज की हम इस स्टोरी में बात ये करेंगे कि इस इंटेलिजेंस वॉर के अंदर अगर कोई ब्रीच आ जाए या कोई ऐसी ऐसी हरकत हो जाए जिससे इंटेलिजेंस शेयरिंग किसी और के पास चली जाए या आपके मुखालिफ के पास चली जाए या आपका अपना बंदा किसी मुखालिफ का हिस्सा बन जाए यानी ऐसा का बंदा रॉ का हिस्सा बन जाए या रॉ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका कोई बंदा पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए हमारे लिए काम करने लग जाए तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा नुकसान या कितना बड़ा डैमेज है जो हो सकता है आज की स्टोरी हमारी इसी के गिरद घूमती है पाकिस्तान ने माजी में ऐसे अफसरान को सज़ाएँ दी हैं ऐसे अफसरान को एक्सपोज़ किया है जिनमें मौत की सज़ा भी है कैद की सज़ा भी है यानी बहुत सख्ती है उन अफसरान के गर्द घेरा तंग है या उन अफसरान को आड़े हाथों लिया जाता है जिन अफसरान के ऊपर जुर्म साबित हो जाए कि इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से हट कर काम किया इस किस्म का एक मसला हाल ही में जारी है वैसे उसकी रिसेंट एक डेवलपमेंट है एक स्टोरी जिसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर ये मामला अभी नहीं शुरू हुआ या कुछ अर्सा कबल शुरू हुआ इस हवाले से आज की स्टोरी में हम डिस्कशन करेंगे लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान का फौजी हो या किसी भी मुल्क का फौजी हो उस फौजी के हलफ के अंदर उसके अहद के अंदर ये बात तय है कि वो अपनी सर्विस के दौरान जो भी उसके पास उस मुल्क के राज व न्याज आएंगे वो उनको अपने तक या अपने कंसर्नड अफसर तक शेयर करने का जिम्मेदार होगा या उस करने का अहल हो सकता है इसके अलावा अगर वो किसी से भी शेयर करता है कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या वाक़ या स्टोरी जो माजी में हो गया हो, तो वो अपने हल्फ के खिलाफ जाएगा और जो भी उस मुल्क की फ़ौज का कानून है वो हरकत में आता है एक्शन में आता है ये वो हल्फ है जिससे इन करने के ऊपर बहुत सारी जो है वो एक्शन लिए जाते हैं अब हाल ही में एक सीनियर अफसर हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के हैं आपने खबरों में जिक्र सुना होगा उनके गिरद घेरा बड़ा तंग किया जा रहा है इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी को हम जानते हैं और इनका जिक्र आपने सुना होगा कि माजी में भी बहुत था लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी हैं कौन लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी का नाम एकदम से मंजरियाम पर आया सन 2018 में जब उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब को लिखे जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इन दोनों मुल्कों में तो पाकिस्तान भारत में तहलका था लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कयास कयासराइयाँ होने लग गई और बहुत चीज़ें हिल कर रह गई और लोग परेशान हो गए कि एक दूसरे के मुखालिफ जो कई साल तक एक दूसरे के साथ ये जंग लड़ते आए हैं आज बगल गीर हैं और एक दूसरे के साथी हैं एक दूसरे के दोस्त हैं और वो किताबें लिख रहे हैं मैं यकीन जिक्र कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी और ए एस दलत ने जो किताब लिखी थी जिसका नाम था क्रॉनिकल्स जिसका नाम था स्पाय क्रॉनिकल्स 2018 में ये किताब लिखी गई यानी आईएसआई आए के चीफ रह चुके थे असद दुरानी साहब लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी और रॉ के जो चीफ थे वो रह चुके थे एस दिल्लत। एएस दिल्लत ने असद दुरानी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद आपस में जो उनका ताल्लुक था जो दोस्ती उन्होंने उनकी ज़रा बन गई थी अब ये भी एक सवाल है कि वो दोस्ती उनकी कैसे बन गई थी उनके नीचे तो हज़ारों का जो अफराद है जो नफरी है वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और अपने मुल्क के मफात को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह दो मुल्कों के सरबरा आपस में दोस्त हो सकते हैं बहरहल वो दोस्त थे दोस्ती उनकी बड़ी और उन्होंने ये तय किया कि हम मिल एक किताब लिखेंगे यानी कि वो दोनों उसके शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने वो किताब लिखी जिसका मैंने आपका अभी नाम लिया है स्पाइ क्रॉनिकल्स इस किताब में बहुत सारे ऐसे वाकयात बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे इनकशाफ़ा थे जो हमने देखे कि वो काबिल एतराज से हमें या आपको नहीं तो हुकूमत इस सतह पर काबिल एतराज से और उनमें बड़ा एतराज़ ये था जिसमें एथिकल एतराज थे कि आप ये किताब अपने जो जोहद आपने लिया है जो आपने हल्फ लिया है जिसको आपने सर्व किया है जिससे आपने इतना अरसा अपनी रोज़ी जो है वो कमाई है और जितना अरसा आपने इस मुल्क को सर्व किया उसके बाद आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना नैरेटिव दे रहे हैं तो यकीन है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी ब्रीच है जो आप कर रहे हैं बहरहाल ये आ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ और ये बात सिर्फ पाकिस्तान की साइड से नहीं है ये भारत की साइड से भी है क्या किसी भी मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसी की साइड से है कि कोई इतना अरसा सर्व करने के बाद किस तरह वो जॉइंट वेंचर करता है और एक किताब लिखी जाती है जब यह किताब आई तो बड़ा शोर होगा था जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया अब इस किताब के ना कुछ अहम नकात हैं सिर्फ उस उनके नकात की डिटेल में नहीं जाऊँगा उसके टॉपिक्स पर जाऊँगा मिसाल के तौर पर एक बड़ा अहम नुकता यह था उसामा बिन लादन का पकड़ा जाना उसामा बिन लादन एक्टाबाद से कंपाउंड से पकड़ा जाता है और इस किताब के अंदर जिक्र ये है जिसके अंदर एस जो दुरानी साहब हैं ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान ने झूठ बोला और पाकिस्तान ने उसामा बिन लादन को एक बारगेन चिप के तौर पे इस्तेमाल किया यानी उन्हें कहा कि जी हमारे पास ये उसामा बिन लादन जो है वो एक बड़ी मोटी तगड़ी है, सामी है तो दुनिया भर से पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ से कोई बारगेनिंग करनी थी मुझक करने थे उन्होंने इसको इसके लिए इस्तेमाल किया लेकिन जब अमरीका को पता लग गया तो अमरीका ने तय किया हमला करना है और जब उन्होंने हमला करने का तय किया उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि जी हम इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर आएंगे और ऐसे कर देंगे ये जिक्र इस किताब के अंदर है दूसरा इस किताब के अंदर जिक्र है कश्मीर की जो आवाम है और कश्मीर के खसूस जो लीडर हैं उनके हवाले से और इस किताब में लिखा है कि जो मेरी इंटेलिजेंस है वो ये कहती है या मेरी मालूम ये कहती है या मेरा तजर्बा ये कहता है कि कश्मीरी और कश्मीरी लीडरान पाकिस्तान के साथ नहीं है वो पाकिस्तान के एल आए नहीं हैं वो एल आए नहीं बनना चाहते या हम उनसे अच्छे टर्म्स एन्जॉय नहीं करते और ये बात उन्होंने की जो बैकडोर कश्मीर पर डिप्लोमेसी थी यानी मंजर यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती मंजर जो सामने है उससे पीछे क्या चल रहा है उन्होंने कहा जी बैकडोर डिप्लोमेसी जा रही है यह सदरानी साहब कहते हैं और उस बैक डोर डिप्लोमेसी में हमारे तकरीबन बहुत फ्रीकुनटली रवाबित होते हैं ये मैं उनकी शवाहद या उनकी बिना पर ये चीज़ें कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में खड़ा कश्मीर के मामले पर लेके जिसपे पाकिस्तान का हमेशा से है यह हमारा ये उसूली मौका है और भारत ने हमारे साथ इस बुक के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर आई और रॉ जो आमने सामने गालिबन पहला चैप्टर है आई और रॉ जो आमने सामने हैं उस हवाले से भी काफी तफसीली गुफ्तु की गई है और ऐसी गुफ्तु की गई है जिस पर आई एस आई के जो मौजूदा क्यादत है या जब ये किताब आई थी तब की क्यादत थी उनको शदीद एतराज़ात थे अब जब ये सारी किताब सामने आ जाती है तो इस किताब को एनालाइज करते हैं बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको पढ़ते हैं बहुत सारे नाकद इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये चीज़ तय करते हैं कि इस किताब के अंदर जो असद दुरानी साहब है उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है बहुत ओपन है और बहुत खुल के वो लिख रहे हैं जबकि उनके बरक्स जो उनके साथी लिखारी हैं जिन जो रॉ के चीफ़ रह चुके हैं एएस जल्लत वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है और कुछ गोल मोल सी बात करके इंडिया को कहीं दाएं बाएं से प्रोटेक्ट करते निकाल लेते हैं जबकि हमारी साइड पर दुरानी साहब काफ़ी खुल खुला के जो है बात करते हैं और वो बात ऐसी है जो उनके उस वक्त के हल्फ के अगेंस्ट जाती है जिस पे उस वक्त की जो हमारी क़्यादत थी फौज की उसको शदीद एतराज़ात थे दौरानी साहब को उन्होंने तलब किया इंक्वायरी कमेटी एक बिठा दी गई और मामला आगे बढ़ता चला गया और इनसे इंक्वायरी का आगाज़ हो गया इनका नाम 2019 में दुरानी साहब का ई में डाल दिया गया एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर मामला शुरू यहाँ से हुआ कि ई में नाम डाला गया कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते किसी भी सूरत पर इन्होंने अदालत को रुजू किया दुरानी साहब ने उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम ई से निकाला जाए अदालत में अब ये केस चल रहा है वजारत दिफा ने कल एक तहरीर जमा कराई है लिखी हुई तहरीर उन्होंने जमा कराई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने ये कहा है इसके अंदर एडमिट किया है उन्होंने कि इनका ताल्लुक लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी का रॉ के साथ है और इसके हमारे पास ठोस सबूत हैं और उन्होंने कहा है कि यह ताल्लुक 2008 से ऑनवर्ड है और ये भी इनकशाफ हुआ है कि यह ताल्लुक सिर्फ रॉ के साथ नहीं है यह ताल्लुक़ कुछ ऐसे और ममालिक और फोर्सेस के साथ है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के दुश्मन हैं ये मैं नहीं कह रहा ये बेसिकली वजारत दिफा कह रहा है और वजारत दफा इन राइटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जवाब जमा करा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी जो पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी अफसर रह चुके हैं अहम तरीन अहदों पर तैनात रह चुके हैं सेंसिटिव जो मोस्ट सेंसिटिव इंफॉमेशन होती है उसके ऊपर बराजमान रह चुके हैं उनकी किताब इनकशाफात से भरपूर है उन्होंने अपने अहद जो उन्होंने अपने हल्फ है उसके साथ इनहराफ किया है और उसने नेशनल सिक्योरिटी हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्क का है उसको शदीद नुकसान पहुँचाया है ये नरेटिव है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का और हमारी फोर्स का हमारे वजारत दिफा का और उसका कहना ही है कि हम इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे किसी भी मुल्क का कोई भी फ़ौजी किसी भी मुल्क की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी तब तक अपने अफसर या तब तक खसूस जवान या अफसर जो कोई भी हो उसको तब तक नहीं पकड़ती और तब तक नहीं छोड़ती जब तक दाल में कुछ काला ना हो वो प्राइमरी इंटरेस्ट है जिसको सेफ गार्ड करते हैं और वो ये है कि इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को किस हद तक इससे डैमेज पहुंचा या पहुंच सकता है तो अगर किसी शख्स ने कुछ नहीं किया यकी उसको उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन अगर किसी ने किया है तो यकीन उसके लिए आ, आ, किसी भी सूरत जो है इस चीज़ को आसान लेना या इस चीज़ को लाइट लेना मुमकिन है ही नहीं सूरत हाल की जानेबन अनफोल्ड होगी इस्लाम कोर्ट ने इस केस की तारीख कुछ दिन बाद मुख्त की है उसमें क्या होने जा रहा है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करेंगे अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नक्स्ट स्टोरी में आपसे इन शाला मुलाकात होगी अल्लाह हाफ